चलिए दिखाते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र है, गांव का इलाका है, यहाँ पे तुरंत में भीड़ भड़क लग जाता है। और वैसे भी 8-10 साल के बाद यहाँ पे इंजन वगैरह आने का शुरुआत हुआ है, भीड़ तो रहेगा। ये केबिन बन रहा, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो पटरी वगैरह उतरा है ना, तो इसके वजह से मोटरसाइकिल वगैरह चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसीलिए जाम लगा हुआ है यहाँ पे केबिन के पास। चलिए आगे चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। बहुत लंबी लंबी पटरियाँ हैं, उतर रहा है यहाँ पे। चलिए दिखाते हैं आपको, यहाँ पे बहुत भीड़ लग चुका है, जमघट बहुत है। यहाँ पे उतर रहा है, बहुत ही मेहनत भरा काम है ये। और जोखिम भरा भी काम है, मेहनत चला। वर्कर सब लगे हुए हैं, बहुत मेहनत किए हैं लोग हैं। इस जगह का नाम है रायटोला, जहाँ पे ये अभी उतर रहा है। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। बहुत ही स्लोली स्लोली जो है, स्लो स्लो जो है आगे जा रहा है, इधर की ओर उतार रहा है सब। खास तौर पर बच्चे लोग बहुत ही, देखे किस तरह लटक रहे हैं बच्चे लोग, छह लोग पर एक जरा से भी जान का डर नहीं है। अब हम आ चुके हैं साहिबगंज के पास, चलिए दिखाते हैं आपको। ये बच्चे किस तरह चढ़ रहे हैं इस पर, एक जरा से भी जान का डर नहीं है। और इस तरफ भी आपको दिखाते हैं, यहाँ से फिर उतर रहा है। यही जरा से भी जान में डर नहीं। ये चौथा केबिन है नरपतगंज से आते समय, नंतग्राम की तरफ चलते हैं, जाते हैं आप, तो ये चौथा केबिन है, ये भी नरपतगंज पड़ता है, साहिबगंज। चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बच्चे लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, छोटे छोटे बच्चे। इसके आगे नहीं गिरी है, इसके आगे पटरियां नहीं गिरी है। ये साहिबगंज का इलाका है जहाँ पे ये वर्तमान में गिरा रहे हैं ये पटरी को। चलिए दिखाते हैं आपको आगे।
यहाँ पर भी सेफ्टी के लिए खंभा वगैरह लोहे का गाड़ दिया गया, एंगल वगैरह। ये चौथे नंबर का केबिन है, अगर नरपतगंज की तरफ जाते हैं तो। ये फाटक है, यहाँ पे लग गया है, एक इस तरफ और एक उस तरफ है, सड़क के उस तरफ। देखिए किस तरह संघर्ष कर रहे हैं ये साइकिल निकालने के लिए, खतरनाक है। अभी रुकी हुई है तो निकाल लेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, ये छोटी सी अपडेट थी। अब ये मालगाड़ी छातापुर हॉल्ट की तरफ चली जाएगी, ललित ग्राम की तरफ चली जाएगी। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे।